नगर पालिका निगम सिंगरौली का एक वार्ड ऐसा भी जो मूलभूत सुविधाओं से अब तक है वंचित। बिजली पानी सड़क की समस्या से जूझ रहे सिंगरौली मुहेर बंधवा टोला के लोग, बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार मुहेर गांव में कहीं दिखाई नहीं दे रही। वहीं कुछ लोगों के से संवाद किया गया, संवाद के दौरान पता चला कि 44 डिग्री की भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को मोहताज है ग्रामीण। कंपनी द्वारा हफ्ते में पानी मिलता है जो पर्याप्त नहीं हो पाता। सिंगरौली जिला बने 10 वर्ष हो गए पर आज तक बिजली और पीने के पानी की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। वहीं गांव के कुछ महिला और पुरुष ने कहा कि बड़े बड़े दावे कर लोगों तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करने वाली सरकार मुहेर गांव में कहीं नहीं दिखाई दे रही और न ही सरकार का कोई नुमाइंदा उनकी सुध लेने के लिए कई साल में आगे आया है। कुछ मुहेर की निवासी पुरुष एवं महिला ने गुड्डी सांकेत, पतिराज बली सांकेत, कबूतर सांकेत, लाल बहादुर सिंह गोड, रामनंदन मणिलाल सांकेत आदि ने बताया कि पिछले कई सालों में उनके क्षेत्र में बिजली और पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण उन्होंने मजबूरन खेतों से या नाले से पानी लेकर आना पड़ता है। और कुछ लोगों ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा शौचालय का निर्माण किया गया जिसमें न ही पानी की व्यवस्था है और न ही दरवाजा। सड़क की बात की जाए तो बरसात के मौसम में पूरा पैर जमीन में धस जाता है। वहीं 2 किलोमीटर की दूरी पर एनसीएल और प्राइवेट ओबी कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग किया जाता है, जिसकी वजह से उक्त गांव के निवासियों का पूरा मकान हिल जाता है।